ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बनने का आधार है कर्मों का ज्ञान, कर्म गति को समझ करके चलना। उसके लिए तो बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन समय तो बड़ा तेज जा रहे हैं। मैंने सोचा था कि कुछ अनुभव भी सुनाओ, तो यहीं हम इस कर्मों को यहीं पूरा करते हैं। तो समझ में आया कर्मों के, तो कर्म गति को समझ करके सदा पॉजिटिव रहेंगे। कभी भी अगर कुछ ज्ञान में चलने के बाद भी ऊपर नीचे बातें आती भी हैं, तो भी हमें बाबा के ऊपर का विश्वास कम नहीं करना है। कभी भी अगर कोई माँ बाप ने हटेल नहीं देखा, बच्चा ऐसा पैदा हुआ गलत संगत में जा रहे हैं, नशा कर रहे हैं, वो बच्चा कौन है? ये पिछले जन्मों का कोई हिसाब किताब है। अगर किसी को पति तंग करता है, इसका मतलब मैंने भी कभी पति बनकर के उसको तंग किया था। अगर कोई सास तंग करती है, इसका मतलब आपने भी कभी इसको सास बनकर के तंग किया था। इसलिए आप सभी हमें हिसाब चुक्त करके जाना है। हिसाब चुक्त करने के तीन तरीके हैं, तीन। पहला है योग लगाओ। जितना योग लगाएंगे आपके कार्मिक अकाउंट कम होते हैं। ये योग बाबा ने क्यों रखा है? बार बार कहता है मुझे याद करो, योग लगाओ। जितना योग लगाएंगे आपके आने वाले हिसाब कैंसिल हो सकते हैं। हम इतना तो योग लगाते नहीं। दुकान खोलना है, ये करना है, दुकान खोलो, उस दुकान से भी पहले यहां आओ, दो कान खोल करके बैठो। यहां कितने कान है? दो कान। उस दुकान से कमाए हुआ चोर लुटेगा, आग जलाएगी, पानी डुबोएगा, लेकिन इस दो कान से कमाए हुआ ना चोर लुटेगा, ना आग जलाएगी, ना पानी डुबोएगा। इसलिए हमें कुछ भी हो जाए संगम युग में ये दो कान वाला दुकान खोलना है। इसलिए वर्तमान के प्रॉब्लम हमारे ही कर्मों का परिणाम है। कोई सास तंग करे, कोई पति तंग करे, कोई ज्ञानी भी किसी को तंग करता है, सब किताब है। और अब हमें नया हिसाब नहीं बनाना है। तो एक तो योग से चुप्त करना। अगर योग नहीं करेंगे तो आपको कोई तंग करेगा, गाली देगा, तो भी आप क्या करो? उसको सहन करो, चुप रहो।